में देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन लिमिट है आपका 0 से π/2, ठीक है। चलिए तो लिमिट हम लोग लिख लेते हैं 0 से π/2, 0 से LHS लेते हैं, 0 से π/2 log tan x प्लस में cot x। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, आइए अभी इसे नहीं मान रहे हैं। 0 से π/2, 0 से π/2 है लिमिट, और यहाँ पे log इसे मैं कर देता हूँ साइन x और बटा में cos x, और प्लस cot को cos x और बटा में साइन x, कर सकते हैं इतना। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 से π/2 log, अंदर LCM ले लें क्या, cos x इंटू में साइन x dx, ऊपर आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर x और यहाँ पर cos स्क्वायर x, तो इसका वैल्यू 1 होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 से π/2 log 1/2 cos x साइन x dx, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम कर दे, इसमें 2 से ऊपर भी गुणा करते हैं, नीचे भी अंदर log के अंदर, यहाँ पर यहाँ 2 ले लेते हैं, और नीचे जो है 2 cos x sin x, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2 log, देखो डिवाइड में है तो ये log 2 और माइनस 0 से π/2 log 2 sin x cos x, यही ना है, तो इसे मैं साइन 2x सीधे नहीं लिख सकता हूँ, साइन 2x dx हो जाएगा। चलिए अब ना हम काम करते हैं, इसको लेके बनाते हैं हम लोग i मानकर, लेट इसका तो बन जाएगा ना, इसका कॉन्सेंट है ये बाहर निकल जाएगा, उसके बाद x आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले देखते हैं, i बराबर मान लेते हैं 0 से π/2 log साइन 2x dx, ये हम लोग यहाँ पर इसे मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पे पुट करते हैं, 2x जगह पर t, डिफ्रेंशिएट करो तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2 dt/dx, यानी dx बराबर आ जाएगा dt/2। अच्छा लिमिट में भी चेंज करना होगा, यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर में हो जाएगा 2 × 0 यानी कि 0, व्हेन x बराबर में π/2 तो t बराबर में हो जाएगा 2 × π/2, 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर में पाई, यानी देखो अब i बराबर में यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 से π log साइन t, और यहाँ जाएगा dt/2, 2 कौन से इधर निकालते हैं, i बराबर में 1/2 0 to π log साइन टी डी टी। एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, उस प्रॉपर्टी के आधार पे इसे आगे बनाएंगे, नया प्रॉपर्टी है, देखिए मैंने वैसे आपको बता रखा है 0 to 2 a f x dx दिया हो, इसका वैल्यू 2 × 0 to a f x dx हो जाता है, कब, जब यानी व्हेन f 2a − x जो है f x के बराबर हो, ठीक है, एफ एक्स के बराबर हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको फंक्शन लेके चले, तो अगर हम लोग इसमें रख दें लॉग साइन π − t, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन टी, देख रहे हैं ना, ये इसके बराबर हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, एफ 2a − x, एफ π − t, फंक्शन में π − t रखने पर वही फिर से आ जा रहा है, तो वही फिर से फंक्शन आ जा रहा है, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार i बराबर में 1/2 इंटू में, देखो लिमिट जो 0 से 2a है, यहाँ 0 से a हो जा रहा है और बाहर 2 लग रहा है, तो यहाँ बाहर एक 2 दे देंगे और लिमिट 0 से a हो जा रहा है, यहाँ 2a था तो a, यहाँ पाई है तो क्या आ जाएगा, π/2 log साइन टी डी टी, यहाँ 2 से 2 आपका कट गया, ठीक है, 2 से 2 आपका कट गया। तो अब देखो यहाँ से i बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 0 से π/2, हम चाहे तो इसमें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसके वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, t है तो हम लोग यहाँ पे x ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है ना वेरिएबल में चेंज हो सकता है। एक और प्रॉपर्टी था आप पढ़े हुए हो कि अगर इंटीग्रेशन हो 0 to a या a to b,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लोग दूसरे वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी, साइन टी, सॉरी साइन टी पहले नहीं था, वेरिएबल चेंज करना है ना जी, तो साइन एक्स कर देते हैं यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स। तो देखो यह जो है, यह जो आया है, यह हम लोग जो ऊपर माने थे ना, यह इसके बराबर है ना। तो मैं इसे आई वन कर देता हूँ, आई जो है आई वन के बराबर है, समझ गया ना, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आई वन मान लेता हूँ, तो ये इसके बराबर हो जा रहा है, समझ रहे ना, यह जो है इसके बराबर है, देख रहे ना, दोनों एक ही बात है। या एक और काम कर सकते हैं हम चाहे ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आई वन ना लिखकर एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे ना, तो इसका आ जाएगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ऐसे मैं इसका इंटीग्रेशन आगे क्वेश्चन है इस पे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना, इसका ये होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू, अगर आप निकालोगे भी तो आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि तो देखो ये 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन निकालना मैं इसी चैप्टर में आगे बताने वाला हूँ। आई मानकर ही इसी तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू लॉग टू होगा, शॉर्ट में बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू लॉग टू इसका भी वैल्यू हो रहा है, तो यानी इसका भी वैल्यू वही होगा क्योंकि यह उसके बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन निकालना था, चूंकि हमें इंटीग्रेशन निकालना था जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का, यही ना निकालना था हमें, चलिए तो इसके बराबर मैंने लिखा था जीरो टू पाई बाई टू लॉग टू डी एक्स, और फिर माइनस जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स, यही ना लिखा था ऊपर मैंने, यहाँ देखो तो यही ना है आपका पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स। चलिए तो इसका वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाल दिया है, तो ये जीरो टू पाई बाई टू लॉग टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, लॉग टू वन बचेगा, डी एक्स लिमिट है जीरो टू पाई बाई टू, माइनस इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे है माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है। चलिए और इसका भी देखिए, लॉग टू इसका एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, और जीरो टू पाई बाई टू लिमिट है, और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू लॉग टू, तो यहाँ पुट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस जीरो यानी पाई बाई टू ही आएगा, यानी पाई बाई टू लॉग टू और प्लस में पाई बाई टू लॉग टू, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका पाई लॉग टू, एलसीएम लेके जोड़ देंगे, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे रन देते हैं, आपको करना क्या होगा, इससे रिलेटेड हमारे तीन चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।